मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ विधायक सरयू राय जी। सरयू राय जी, आज आपने सदन में सुना मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बातें रखी है जेपीएससी को लेकर के, सड़क पर आंदोलन चल रहा है, छात्र आंदोलित है, लेकिन इस तरह से सदन में बात कहना क्या आपको लग रहा है सही? मुख्यमंत्री को स्थिति और साफ करनी चाहिए, लिखित वक्तव्य दे देना चाहिए भाषण करने के बदले में, सदन में वो वितरित हो जाए कि भाई हमारा ये कहना है, जहाँ गलती है मानना चाहिए, उसको सुधार करेंगे, जो कमी रह गई है उसको ठीक करेंगे, तभी लोगों में भरोसा होगा कि वास्तव में जेपीएससी की स्थिति सुधारना चाहते हैं। नहीं तो आज तो जेपीएससी की स्थिति धुन की पब जैसा हो गई है, जहाँ बैठ के आप ग्रीन टी भी पीजिएगा तो लोग कहेंगे कि दारू ही पी रहा है। तो जेपीएससी संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थिति राज्य के हित में सुधरनी, इसकी छवि बननी चाहिए। अस्पष्ट तौर पर एक जांच होनी चाहिए थी, लेकिन अब मामला बाहरी भीतरी मनुवादी विवाद बढ़ता नहीं जा रहा है। अब ये चीज़ें समय समय पर लोग कुछ कहते रहते हैं, बाद में महसूस करते हैं, तो जो ऐसी बात कह देते हैं बाद में जरूर वो महसूस करेंगे कि हमको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। आपको लग रहा है कि सब कुछ सही हुआ है जेपीएससी? देखिए, जेपीएससी के बारे में जब आप बात अभी का कहिएगा तो लोग आपको 20 साल पहले ले जाएंगे, 15 साल पहले ले जाएंगे। नीयत ठीक रहनी चाहिए, दूसरे ने गलती कर दी इसलिए हमारे समय में हो रही कमियां उसे ढकी नहीं जा सकती। लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी पब्लिक कमीशन में किसी अभ्यर्थी को पास कर दिया जाता और फिर उसको अपने मन से ही रद्द कर दिया जाता। अब देखिए, बात तो हम लोग सुनकर ही कह रहे हैं ना, इसलिए सुनकर हम लोग कह रहे हैं, जिसको सुधारना है, जिसको ठीक करना है, वो तत्पर हो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं तो हम लोग कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, भाषण करते रहेंगे, कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा इससे। तो बिल्कुल, देखिए, सरयू राय जी ने साफ तौर पर कहा है कि स्थिति को और स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री को रखना चाहिए था और लिखित वक्तव्य देना चाहिए थे, ना कि इस तरह की भाषा और शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची।